हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल एजी टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जो यूपी पुलिस 41,520 पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। उनका जो कल से मेडिकल 8 तारीख से स्टार्ट है, तो मेडिकल में आपका क्या क्या चेक होगा वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जैसे वहाँ पर जाएँगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि वहाँ पे आप जब जाएँ तो आप कोई लूज़ कपड़े पहन के जाएँ, जैसे लोअर टी शर्ट हो गया यही पहन के जाएँ ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और सबसे पहले जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड चेक होगा और आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर अगर आप बॉयज़ हैं तो आपकी हाइट और आपका चेस्ट फिर से नापा जाएगा, और आप गर्ल्स हैं तो आपकी हाइट और आपका वेट फिर से नापा जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो आँखों का टेस्ट होगा उसमें आई टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके सामने कुछ दूरी पे 15-20 फुट की दूरी पे एक बोर्ड लगा होगा जिस पे इस तरह से कुछ डिजिट लिखी होंगी। अगर आप पहला डिजिट पढ़ लेते हैं तो आप 6x660 यानी 6/60, अगर दूसरा पढ़ लेते हैं 6/36, तीसरा पढ़ लेते हैं 6/24, चौथा पढ़ लेते हैं तो 6/18। इस तरह से आप जितनी नीचे की लाइन पढ़ते जाएंगे आपको सारी लाइन पढ़ाएंगे, उसके बाद तो आपका वो डिसाइड कर देंगे कि आप यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो 6x6 का माना जाता है। अगर यहाँ पे आप 6x9 का भी करते हैं तो यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल जिनका होना है वो 41,520 ही कैंडिडेट्स का होना है, क्योंकि पोस्ट भी इतनी ही निकली हैं और इतने ही बच्चे पास किए गए हैं। तो इसमें मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होने वाला है, और वैसे भी पुलिस का मेडिकल है, कोई आर्मी का मेडिकल नहीं है जो इतना टफ होने वाला, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा आपका वो होगा कलर विज़न। उसमें आपको एक छोटी सी बुक देंगे, उसमें आपको यहाँ उसको आप वो पलटते जाएंगे, आपको वहाँ पर कुछ डिजिट ऐसे लिखी होंगी आपको उसको बतानी रहेगी। अगर आपका कलर विज़न नहीं है तो आप तुरंत उसको पढ़ लेंगे, तो आपको बुक पलटते जाएंगे आपको वहाँ पे इसके डिजिट बतानी, जैसे इस पर 6 लिखा है, 2 लिखा हुआ है, 57 लिखा है, 74 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका कलर विज़न का टेस्ट वहाँ पे होगा। उसके सेकंड स्टेप पे आएगा आपका फ्लैट फुट देखा जाएगा। तो सबसे पहले एक पानी होगा, पानी में आपको पैर रखेंगे, पानी से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको बोलेंगे चलने के लिए, तो आप सामान्य चाल से चले जाइएगा। अगर इस तरह से आपका पूरा फ्लैट मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा पैर पड़ रहा है, बीच में स्पेस नहीं हो रहा है, तो ये आपका फ्लैट फुट प्रॉब्लम कर सकती है। या फिर अगर आपके बीच में ज़्यादा गैप हो रहा है, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, तो भी आपकी दिक्कत कर सकता है। बट जो नॉर्मली होता है ये इस तरह से हल्का सा बीच में गैप होता है और साइड से दोनों साइड में टच होता है, तो ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद इतना होने के बाद जो फिर आपका टेस्ट होता है वो आपका नोकनी होता है, जिसमें से अगर आप चलने के टाइम वो ये देखते हैं कि आपके कहीं पैर जो है वो बीच में कहीं टच तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं कुछ ज़्यादा गैप तो नहीं है आपके पैरों के बीच में। अगर ज़्यादा गैप है तो भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है मेडिकल, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में आपको प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको दिक्कत, वरना आपको जल्दी कोई छोटी मोटी दिक्कत है उसको आप वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इतना बता दिया। उसके बाद अगर बात रही कि वहाँ पे आपका ज़्यादा कपड़े उतरवाते हैं तो नहीं, आपको वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा उतरवाएंगे तो आपको वहाँ पे पैंट शर्ट उतरवा देंगे, बस टी शर्ट या लोअर जो है जो भी आप पहने तो उसको उतरवा देंगे, बट वो वहाँ पे आपके अंडरवेयर या फिर बनियान नहीं उतरवाने वाले, ठीक है। और वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेट पार्ट वगैरह सब कुछ नहीं चेक करने वाले, क्योंकि ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं है ये, बिल्कुल नॉर्मल होगा। और अच्छे से आप सभी लोग क्लियर कीजिएगा, मेरा भी होने वाला है, मैं भी अपनी तैयारी में लगा हूँ, मुझे भी अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, तब तक ले जय हिंद जय भारत।